फुल कर दो। क्या हो रहा है? एक बार देख ले आगे जाके हवा भरा के। तो बाइक को लग गई है भूख और इसकी खुराक ले रहे हैं, इसका करा रहे हैं पेट फुल। तो देखते हैं अभी यहाँ से जीरो करेंगे और कितना किलोमीटर चलता है फुल पे। ट्रिप करेंगे जीरो और देखेंगे कितना किलोमीटर चलती है फुल टैंक में। कार्ड है गॉड। अब जाके कुछ राहत मिली है जाम से, इतना तगड़ा जाम, इतना तगड़ा जाम। अभी बज चुके हैं सुबह के 10 और ऑलमोस्ट 2 घंटे हो गए हम घर से निकले हुए और अभी हम वैसे अभी हम कहाँ पहुँचे हैं। ओनली 70 किलोमीटर हमने अभी अभी तक कवर किया है 2 घंटे में। वो तो क्या स्पीड है, इतना जाम मिला इतना जाम। चलो अब कवर करना पड़ेगा ना, लेट हो जाएंगे पहुँचने में। बढ़िया दोस्त, थोड़ी थोड़ी भूख लगना शुरू हो गई है। एक्चुअली यार आपको कुछ हो ही नहीं है तो भूख लग रही है। और घर से ब्रेकफास्ट लेके आए थे तो बड़ा ब्रेकफास्ट अभी कहीं रुकते हैं और वहाँ ब्रेकफास्ट करेंगे या फिर अपने डेस्टिनेशन में करेंगे। गोरा आदमी है क्या? टूटी आदमी थोड़ा
ये सैंडविच, पूड़ी, छोले और साथ में चाय। तो दोस्तों फाइनली हम हरिद्वार पहुंच गए हैं। राइट में आपको दिख रहा होगा हर की पौड़ी अभी आने वाली है। अभी हर की पौड़ी आई नहीं है तो यहाँ पर अभी फ्लाईओवर का काम जोर शोर से चल रहा है, तो आने वाले टाइम में काफ़ी अच्छा हो जाएगा रोड और जो ट्रैफिक की जो प्रॉब्लम है वो भी सॉल्व हो जाएगी। ये देखिए ये गंगा जी, तो हरिद्वार हम पहुँच गए हैं। अभी मैं आपको हर की पौड़ी भी दिखा देता हूँ। जल विद्युत ग्रह चीला, तो ये चीला का विद्युत ग्रह मतलब यहाँ बिजली पैदा होती है और आगे सप्लाई होती होगी। अच्छा बना रखा ना काफी। वाह क्या व्यू है यार, देखो मजा आ गया। तो फ्रेंड्स अभी हम हैं ये ऋषिकेश इस साइड है और हरिद्वार उस साइड है, तो हम इस जस्ट इसकी बैक इस साइड है। तो यहाँ से जो लुक है, जेट ये जो व्यू है यहाँ का अमेजिंग, मतलब अभी मन कर रहा था कि नीचे उतर के नहा लें, बट यहाँ पर कुछ रिस्क है क्योंकि कुछ डीप वीप है नहीं, यहाँ पर कितना गहरा है क्या है कुछ पता नहीं है। और कुछ लोग लोकल हैं वो नहा रहे हैं जैसे ये देखो, तो भाई उनकी हिम्मत है हमारी हिम्मत नहीं है, तो सेफ़ नहीं है। तो हम यहाँ से अब जा रहे हैं आगे। देखो पहाड़ भी यहाँ दिखाई नहीं दे रहा, इतनी धुंध भी नहीं लग रही हो क्या है समझ नहीं आ रहा, पहाड़ भी नज़र नहीं आ रहे हैं, कितना धुंधला धुंधला नज़र आ रहा है। ऐसा होता नहीं है, मौसम भी बिल्कुल साफ है। एनीवेज पता नहीं क्या है, चलो देखो।
हैं एलिफेंट रिज़र्व पार्क में। ये एलिफेंट का पूरा जो अपना रिज़र्व पार्क है, तो यहाँ हाथियों की होने की संभावना काफ़ी ज़्यादा है, तो संभल के चलना पड़ेगा यहाँ पे। तो है तो यहाँ पे काफ़ी संभल के चलना पड़ेगा, क्योंकि कभी भी हाथी आ जाते हैं और क्रॉस करते हैं। प्लस अभी शाम का टाइम है तो पॉसिबल है, क्योंकि शाम के टाइम वो अपना पानी पीने या कुछ जाते हैं, तो खाना वाना ढूंढने, खाना वाना जैसे भी देखते हैं। चलो दिख गए तो क्या करेंगे, नमस्ते कर देंगे जी। बट अगर रियल में हाथी सामने दिख जाए ना एक बार ही, तो भाई साहब वो भी जंगली, मतलब जंगली हाथी। वैसे हाथी तो बहुत देखे हैं जो अपना ट्रेंड होते हैं बैठना, उनकी क्या एलिफेंट राइड लेना, ये सब वो तो नॉर्मल है। और ये जो जंगली हाथी हैं होते हैं, इनका कुछ मूड का भरोसा नहीं होता भाई। बड़ी वीडियो देखी है मैंने, जान बचाने के लिए अपनी बाइक छोड़ के ही भागना पड़ता कभी कभी तो। क्या लोकेशन है, क्या व्यू है, देख रहे हो, ठंडा हो गया मौसम हल्का हल्का, पूरा जंगली एरिया। अभी ज़्यादातर रोडें बंद कर रखी हैं गाड़ियों के लिए, फोर व्हीलर के लिए, जिस रोड से वो भी आए हैं ये फोर व्हीलर के लिए भी बंद है, क्योंकि कुछ काम चल रहा है वहाँ पर रोड का, तो इसलिए शायद मैं भी बंद कर रखा हूँ। तो क्योंकि उनके लिए वही वाला रोड है जो ऋषिकेश, हरिद्वार से ऋषिकेश, रामझूला, ये सब उठते उठते वहाँ पर ये वाला भी बंद है। काफी पतली रोड है ये, तो दोस्तों वो है गंगा नदी जैसे दिख रही है आपको, तो वो है पूरा ऋषिकेश। हम ऋषिकेश के साथ पूरी साइड में हैं, वो है सामने लक्ष्मण झूला, आपको शायद दिख रहा हो यहाँ से हल्का हल्का दिख रहा है। और ये गंगा नदी बहती हुई, जय गंगा मैया, काफ़ी अच्छा लग रहा है ना इधर से। ये अलग ही रोड है, ये अलग ही डिफरेंट मज़ा आता है यहाँ पर। उस रोड पर भीड़ भाड़ भी है, ट्रैफिक है, इस रोड का अलग ही मज़ा है। क्यों सुमन भाई, इस रोड का अलग ही मज़ा है ना, शांति, मतलब इस रोड पे वो भीड़ भाड़ तो हर दिल्ली में भी है, यहाँ भीड़ भाड़ अपनी और एंजॉय करते चला रहे हैं। वहाँ पर राफ्टिंग भी हो रही है, देखो राफ्टिंग भी स्टार्ट हो गई, हाँ वो राफ्टिंग हो रही है। तो इसके आगे तो आते नहीं, लक्ष्मण जी लोग पीछे रह जाते हैं ना,
नहीं नहीं यार, लक्ष्मण झूला के क्रॉस में करता है राम झूला तक जाती वो, अलग है उसकी। नहीं नहीं वही आती है पूरी। तो कैसा लग रहा भाइयों, कमेंट करके जरूर बताना यार। लक्ष्मण झूला तो पीछे रह गया ना, वो रहा लक्ष्मण झूला नहीं है, वो राम झूला है क्या? वो ऐसे छोटा सा नहीं यार, जब मंदिर तो ये रहे यार। तो दोस्तों कैसा लग रहा है नज़ारा बताइए जरूर कमेंट करके यार। और प्लीज़ मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें मेरी वीडियो को। और चलो अब चलते हैं आगे और मिलते हैं आगे, आपको दिखाते हैं क्या क्या दिखने को मिलता है, और कुछ इंटरेस्टिंग हो तो ज़रूर दिखाऊँगा। बाकी दिखाई जा रहे हैं हम तो ये क्या हुआ ये टूट कैसे गया? ये टूटा है, ये तो टूटा है, ये तो यार ये कैसे टूटेगा? ये तो है टूटने वाली चीज़ नहीं है, ये तो लॉक टूटे उसके पेज पर कैसे हुआ टूटा है वो तो, ऐसे कैसे टूट गया? अब अच्छा लग रहा है। सिमरन भाई के टॉप बॉक्स का रिफ्लेक्टर था वो टूट गया, वो पता नहीं मैंने भी नहीं देखा, मेरे को मेरा भी अभी ध्यान गया इस पर। तो दोस्तों देखो ये राफ्टिंग अभी भी स्टार्ट हो गई है, तो अभी आई थिंक ये लास्ट 23 तारीख के बाद से राफ्टिंग स्टार्ट हुई है, मुझे एग्जैक्ट डेट पता नहीं है। तो कुछ लिमिटेशन के साथ इन्होंने राफ्टिंग स्टार्ट हुई है, आई थिंक 4 लोग ही राफ्ट में बैठेंगे और 2 जो राफ्ट चलाने वाले हैं 2 वो होंगे और 4, पहले 6-8 ऐसे बैठ जाते थे, अब नहीं, अब मना कर दिया है। तो सोशल डिस्टेंसिंग का फॉलो करेंगे ये सब। बाकी कुछ अच्छा लग रहा है देखने में, क्योंकि मतलब दोबारा फिर से जैसे हमारा था, मतलब हर कोई एंजॉय करता था अपनी लाइफ को, हर चीज़ को, नेचर को, सब चीज़ को। तो थोड़ा सा बीच में रुक गया था, अब दोबारा फिर से होने लगा है ठीक, अच्छा है काफ़ी, होना भी चाहिए। अभी नीचे कुछ फ़ोटोशूट हो रहा है आई थिंक, हाँ, और फोनर्स भी हैं कुछ यहाँ पे, तो शायद ये गए नहीं होंगे, यहीं रहते होंगे लॉकडाउन में भी। अच्छा कितना अच्छा लग रहा है देखने में यहाँ से, मन कर रहा है कि अभी उतर के एक डुबकी लगा लें, बट अभी हम जाएंगे पहले रिजॉर्ट लेते हैं, रिजॉर्ट लेने के बाद कैंप वैम पे अपना सामान वामान रख के थोड़ा सा रिलैक्स करके उसके बाद जाएंगे नहाने के लिए, क्योंकि सुबह से निकले हुए हैं, काफ़ी टाइम बीच में भी रुकना पड़ गया था, उसमें भाई की बाइक में कुछ प्रॉब्लम आ गई थी, वो टायर बीच में घिस रहा था तो उसको ठीक करवाया, और फिर एक जो कुछ और घर के वहाँ पर भी कुछ प्रॉब्लम हो गई है, पर्सनल प्रॉब्लम, तो उस वजह से भी मैं थोड़ा लेट हो गया, क्योंकि रास्ते में रुक के काफ़ी देर मुझे बात बात करनी पड़ेगी फ़ोन पे। चलो कोई नहीं, अब चलते हैं आगे और करते हैं बातें और दिखाते हैं आगे और आगे चलते हैं।